तो दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल जीके वसीविल में। आज मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कहीं भी अगर हम लोग बेसमेंट में एयर एंगल चेंज करते हैं तो वो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अगर हम लोग कहीं भी अगर आयरन एंगल चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पुराने वाले आयरन एंगल को डिसमेंटल करते हैं, वो उसको निकालते हैं। इसके बाद मेजरमेंट के अनुसार या ड्राइंग के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उनका साइज बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अगर साइज़ बढ़ाते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो जैसे भी नीचे में सपोर्ट में आप देख रहे हैं, ये जो एंगल देख रहे हैं आप, तो नीचे में जो सपोर्ट के लिए जो एंगल लगा हुआ है वो 50 mm इंटू इसका थिकनेस जो है ना 5 mm का हम लोग लगाए हैं सपोर्ट के लिए, ये नीचे वाले एंगल जो देख रहे हैं नीचे में। और इसको प्रॉपर एक फास्टनर के साथ हम लोग फिक्स करते हैं, प्रॉपर फास्टनर के फिक्स करते हैं, फास्टनर लगाते हैं, यानी तो हॉल पास भी आप लगा सकते हो। अगर नीचे का बेस अगर इनका मजबूत है तो फास्टनर पे चल जाएगा, लेकिन अगर बेस मजबूत नहीं है तो आप लोग हॉल पास लगा सकते हो। इसके बाद प्रॉपर कंक्रीटिंग किया जाता है उसमें, ग्रेडिंग के साथ प्रॉपर ग्रेडिंग, वैसे 1, 2, 4 का ही चलेगा इसमें, लेकिन क्या होता है कि ये ओल्ड वाले हैं तो ओल्ड में हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर ग्रेडिंग करते हैं, तो इसलिए थोड़ा हम हैवी लेके चले हैं, 1.5-3 का रेशियो लेके चले हैं इसमें, प्रॉपर ग्रेडिंग करते हैं इसमें। और अब देख रहे हैं ये नीचे का, क्योंकि जो पहले से बना हुआ था ना वो उसमें क्या था कि नीचे का जो सीसी था ना वो ख़त्म हो चुका था, मतलब वो पुराना हो चुका था, तो वो उस पर सपोर्ट हम लोग एंगल पर नहीं दे सकते थे, इसलिए हम लोग इसका क्या किया, हम साइज बढ़ा दिए हैं। कहीं भी अगर ऐसा कंडीशन आए कि नीचे का अगर एंगल गल गया है तो थोड़ा आप लोग साइज़ को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, नहीं तो वो काम अगर शॉर्टकट में निकालना चाहते तो, अगर नहीं प्रॉपर काम करोगे तो फिर से नीचे सीसी डालो, ब्रिक वर्क करो, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये देख सकते हैं एंगल है, ये बना हुआ है देख लें, 1200 × 600 का है ये, 1200 mm में है ये, ठीक है आप देख सकते हैं ये। और नीचे वाले तो आपको पता ही नहीं कि 50 5 का एंगल है, और जो जो जाली के लिए हम लोग बनाते हैं ना वो 40 5 का है, यानी कि 40 mm × 5 mm थिकनेस का है ये जो MS एंगल है, ठीक है। और ये ऊपर वाले जो बीच वाले आप एंगल देख रहे होंगे, ये जो है, ये जो स्क्वायर बार है, ये स्क्वायर बार है, ये 16 mm × 16 mm का ये स्क्वायर बार हम लोग लगाए हुए हैं, तो मजबूत होता है इसलिए यही लगाए हैं। ये फाइनल अगर कंप्लीट करने के बाद ऐसा ही दिखेगा आपका।